हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयशा ब्लॉग। कल हम लोग पढ़ रहे थे पूर्णांकों का गुणन, तो इसका थोड़ा छूट गया था तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग अगर एक एक पॉइंट को, बुक की एक एक चीज़ों को बिल्कुल से अपने अंदर ऑब्जर्व करके पढ़ेंगे तो आप लोग को भले ही थोड़ा लेट होगा लेकिन अच्छे से आने लगेगी चीज़ें। एक एक एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़िए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैटर्नों का उपयोग करते हुए। माइनस फोर, फिर मल्टीप्लाई एट, ये देखिए, फिर कॉमा, माइनस थ्री, फिर मल्टीप्लाई सेवन। ये जितना हमारा ये ब्रैकेट में, ये इंटीजर्स हैं। और ये फिर देखिए ब्रैकेट, माइनस सिक्स, मल्टीप्लाई फाइव, और सबको देखिए ज्ञात करना है। ज्ञात करके यहाँ हम क्या रिजल्ट पाएंगे, ये देखिए। ये हमारा एक है, ठीक है। फोर एट ज़ा, यहाँ पर हमारा क्रम विनिमय नियम लागू हुआ है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। चाहे आप इधर से कान पकड़े तो इधर भी यही आएगा, इधर से कान पकड़े तो भी यही आएगा, और इसी तरह से हमारा ये भी है। देखिए देख रहे हैं ना, चाहे इधर से टेबल पढ़ेंगे तो भी इधर से वही आएगा। टू नाइन ज़ा एट्टीन, और टू नाइन ज़ा एट्टीन उतना ही आएगा इसका उपयोग करते हुए हम। माइनस थर्टी थ्री और फाइव को करेंगे तो भी 165 आएगा, माइनस से तो माइनस लगा लेंगे, प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मेन पॉइंट ये है, देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करते समय हम उनको पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं। गुणनफल से पहले ऋण चिन्ह माइनस रख देते हैं, इस प्रकार हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। आइए हम लोग प्रयास करते हैं। ये देखिए मैंने किया था, 15 सिक्सा 240 आएगा, माइनस से तो माइनस लगाएंगे। इसी तरह से है 21 मल्टीप्लाई 32, माइनस 672, और यहाँ पर इसी तरह सेम है सारे। और जांच कीजिए क्या यहाँ पर भी वही है, चाहे आप इधर से, यहाँ पर भी क्रम विनिमय नियम ही फॉलो हो रहा है। व्यापक रूप में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए हम कह सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई और ब्रैकेट माइनस बी इक्वल टू ए ब्रैकेट में ए माइनस ए, फिर मल्टीप्लाई बी इक्वल टू माइनस ए मल्टीप्लाई बी। चाहे आप इधर से कान पकड़ी, इधर की संख्या इधर या इधर की संख्या इधर करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। तो थैंक यू। अगर मेरी कहीं मिस्टेक निकलती है, मैं चाहती हूँ आप लोग मेरा वीडियो देखें और उसमें जो मिस्टेक हो उसके बारे में मुझे बताएं, मैं इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू सो मच।